आदिपुरुष मूवी को लेके विवाद जो है थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज किसान यूनियन के कुछ लोग लखनऊ के हज़रतगंज चौराहे पे हज़रतगंज थाने में जाके वहाँ पर रिपोर्ट दर्ज कराने की कोशिश करते हैं, हज़रतगंज के मेन चौराहे पे वहाँ पे धरना प्रदर्शन करने की कोशिश करते हैं, और देश के अलग अलग जगहों से अलग अलग प्रतिक्रिया आ रही है। यहाँ के जो कड़ी सेना के अध्यक्ष हैं उन्होंने भी इस पर काफ़ी ज़्यादा विरोध जताया है। सिर्फ सोशल मीडिया पर ही नहीं, अब ये ज़मीनी स्तर पर भी इसका बवाल जो है काफ़ी ऊंचे स्तर पे हो गया है। और अभी मनोज मुंतशिर जी का जो हाल ही में इंटरव्यू आया है, उन्होंने कहा है कि हमने इसको रामायण बनाया ही नहीं, रामायण तो पहले से है, हम आज के युग में रामायण को दर्शाना चाह रहे थे। साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि मुझे कोई समझ ही नहीं पाया, मेरे फिल्म मेकर्स को मेरी जो मैं जो लोगों तक पहुंचाना चाह रहा था वो लोग उसे देख ही नहीं पाए। वो चाह रहे थे कि आज के जो युग है उसके हिसाब से हम मूवीज़ बनाएं, उसके हिसाब से वो लोग ताकि उससे कनेक्ट कर सके। लेकिन भाई साहब कनेक्ट तो कर जाएंगे, ये चीज़ तो ठीक है, कनेक्ट कर जाएंगे, बाप का बहन का ये जो भी है, जो भी डायलॉग उसमें थे वो कनेक्ट कर जाएंगे, उस चीज़ से मैं भी एग्री करता हूँ। लेकिन धर्म ग्रंथ को नई जो रिनोवेशन करने की क्या ज़रूरत है, मतलब जो हमारे धर्म ग्रंथ जो जैसा कि रामायण हो गया, रामायण में अगर भाई को भ्राता कहा गया है तो वो वहाँ पे है, अगर भाभी को माँ का सम्मान दिया गया है तो वो हमारी संस्कृति में है, आप उसे बदल तो नहीं सकते। अगर वहाँ पे ये बताया गया है कि माँ बाप का जो आदेश होता है वो हमारे ऊपर सर्वोपरि होना चाहिए तो वो है और वो रहेगा, आप उसको नए तरीके से नहीं डाल सकते। और यहाँ पे आपने करने की कोशिश नहीं करी, मैंने आपको जस्ट एग्जांपल दिया है। अगर आप मान लीजिए किसी डायलॉग के साथ छेड़छाड़ करते हैं, आप ये भी कहते हैं कि अगर हम किसी को अगर हम उस मूवी में भ्राता दिखाने की कोशिश करेंगे तो भ्राता क्या लोग पसंद करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, जब रामायण ग्रंथ में ये चीज़ है तो चलो ठीक है। आपने भाई भ्राता की जगह भैया बोला, बहुत अच्छी बात है, भैया बड़ा मीठा शब्द है, वो भी इस चीज़ को कह रहे हैं और हम भी इस चीज़ को मान रहे हैं कि भैया वाकई में काफ़ी मीठा शब्द है, और भैया उन्होंने कहा ठीक है। लेकिन ये बाप का और बुआ का और ये सब, मतलब ये सब तो मतलब आप हमारी जनरेशन को ये दिखाना चाह रहे हो कि नहीं ऐसे थे, जो कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप क्या समझते हो, मतलब आपसे ज़्यादा तो मुझे नहीं पता है, लेकिन फ़िलहाल जहाँ तक मैं जानता हूँ कि फिल्म मेकर को इस चीज़ के लिए यहाँ पे ध्यान देना चाहिए कि हनुमान जी एक बहुत बड़ी हस्ती, हम सभी को ये बचपन से ही बताया गया है कि अगर आपको डर लगता है, अगर आपको कभी ऐसा महसूस होता है कि मुझे डर लग रहा है किसी भी चीज़ को लेके, तो आप हनुमान चालीसा पढ़ो। मतलब हनुमान चालीसा में वो पावर होती है कि डरने की फिर ज़रूरत नहीं होती, और वो आती भी है अंदर से, अगर आप फील करते हो तो पावर निकल करके आती भी है, और आप मूवी में हनुमान जी को वो डरा हुआ दिखा रहे हो, तो यार ये तो फिर कहीं ना कहीं गलत है ना। अब आप उस करेक्टर को उस चीज़ से कनेक्ट कर ही नहीं पाए तो हम लोग कैसे करेंगे कनेक्ट। हनुमान जी महान योद्धा थे, मतलब उनके अंदर इतनी ज़्यादा शक्तियाँ थी कि वो अगर चाहते तो एक दिन में कुछ भी कर सकते थे, मतलब लंका को तहस नहस तो उन्होंने कर ही दिया था, मतलब कुछ भी एक दिन में कर सकते थे। लेकिन आपने उनको ऐसा दिखाया कि वो जैसे उनकी पूछ में आग लगाई जाती है तो वो आई करते हैं, तो पीछे से वो कहते हैं जलीना। अब बताइए जलीना का मतलब क्या है, मतलब ये क्या छपरी वाले डायलॉग है ना। इसके बाद में इंद्रजीत के टैटू को लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद जताया गया कि भाई आज के ज़माने के तो ठीक है, लेकिन टैटूस्ट नहीं थे ना इंद्रजीत, तब क्या टैटू था, कुछ नहीं था, जैसे थे वैसे साफ सुथरे, बिल्कुल जैसे थे वैसे दिखाना चाहिए था, उस हिसाब से कुछ ऐसा संदेश आप देते जिससे लोग उससे कनेक्ट कर पाते और अपने बच्चों को दिखाने के लिए प्रेरित कर पाते। और हनुमान जी के उसमें तो आप लोगों ने लंका लगा दी। बहुत सारे विवाद निकल करके आ रहे हैं, जैसे विभीषण की बीवी को लेके, सीता माँ को लेके, रावण को लेके, प्रभास की एक्टिंग काफ़ी हद तक सही थी, बाहुबली में तो पीक पे था, उसके बाद में जैसे ही उन्होंने साहो बनाई उससे नीचे गिरा, अब जाके आदिपुरुष में तो इतना ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सियल इनकी मूवी हो गई है जिसकी तो हम कभी अनुमान भी नहीं लगा सकते थे। ऐसा लग रहा था कि आदिपुरुष मूवी एक अच्छी ऐसी मूवी है जिसे देखकर हमें हमारे बच्चों को एक नई प्रेरणा मिलेगी और कुछ हम अच्छा देखने जा रहे हैं, उसी हिसाब से हमारी टिकट जो बुक हुई थी। अब एक दिन का 80 करोड़ का अगर आपका कलेक्शन होता है तो कोई छोटा मोटा कलेक्शन तो है नहीं, लेकिन इस चीज़ को जब मूवी बना रहे थे, मूवी बनाने से पहले इस चीज़ को समझना चाहिए कि यहाँ की जो आवाम है। और एक सबसे खूबसूरत बात निकल करके ये आ रही है कि आज के समय में हिंदू मुस्लिम सारे लोग मिलकर आदिपुरुष मूवी का विरोध कर रहे हैं, और वो इस चीज़ को फ्रेंकली कह रहे हैं कि हम अपनी रामायण का हमने कुछ लोगों के शब्द सुन के दिल खुश हो गया कि हमारी देश की जो एकता है वो ऐसा लग रहा है कि वापस आ रही है। उन्होंने ये चीज़ कही, हम अपनी रामायण के साथ छेड़छाड़ होने नहीं देंगे। बाकी निकल करके क्या आता है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर सब्सक्राइब करो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।